फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर में एक पति ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया। उसने पत्नी को हसिया से प्रहार कर मार डाला, उसके बाद खुद केरोसिन पीकर जान देने की कोशिश की। जगदीशपुर का राजेश मौर्या अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बुढ़िया माई मंदिर के पास घर बनवा कर रहता था। रात में वह घर गया तो किसी बात को लेकर पत्नी शशिकला से विवाद हो गया। आक्रोशित राजेश ने पत्नी के सिर पर पहले ईंट से वार किया और उसके बाद हसिया से वार कर दिया। शशिकला जान बचाने के लिए शोर मचाते हुए बाहर भागी और गिर गई। रात भर बाहर बारिश में पड़ी रही और मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर पति ने घर में रखा मिट्टी का तेल पी लिया और अचेत हो गया। सुबह ग्रामीणों ने कोतवाली में फोन करके घटना से अवगत कराया। पुलिस मौके पर पहुंचकर अचेत पड़े राजेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इधर महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। ठेले पर नमकीन मुरब्बा आदि बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाला राजेश पहले माता पिता के साथ मुंशी दौलत लाल रोड पर सरकारी कन्या पाठशाला के पास रहता था। इधर 10 दिन पूर्व जगदीशपुर गांव में बुढ़िया माई मंदिर के समीप नए घर में परिवार के साथ चला गया था। उसके 3 पुत्र हैं।